हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये लेक्चर पाइथन का है, डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या है? देखिए, एक और डेटा टाइप होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। अब क्या डेटा टाइप समझ में आया? एक ही कैरेक्टर आएगा इसमें। ठीक है, अब इंटीजर डेटा टाइप को इंट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंट से। पूरा इंटीजर नहीं लिखते हैं, केवल कीवर्ड लिखा जाता है इंट। ठीक है, आईएनटी। और इसमें इंटीजर में या तो प्लस वाली वैल्यूज आएंगी या तो माइनस वाली आएंगी। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज इसके अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी। प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस टेन, ये सब आएगा। माइनस टेन, माइनस थर्टी, माइनस फोर्टी, ये सब आएगा, लेकिन डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी। 2.5, 2.5, 3.6, ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो ये होता है इंट डेटा टाइप। ठीक है, इसी तरह से एक तो डेटा टाइप होता है फ्लोट डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, इसे बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप के अंदर जो भी आएगा वो इंटीजर वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। जैसे 2.5 हो गया, 5.6 हो गया, 9.6 हो गया, ये जितने डेसिमल वाली वैल्यूज हैं वो सब इसी में आएंगी। ठीक है, इसके बाद एक और डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, ये सब बेसिक डेटा टाइप हैं और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, एस टी आर आई एन जी। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसको एस टी आर के नाम से डिनोट करते हैं हम। इसको अगर लगाना होगा आपको पाइथन में तो आपको क्या लिखना है? एस टी आर। ठीक है, इस तरह से एस टी आर लिखेंगे आप। समझ में आ रहा है? और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। और इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पर कैरेक्टर डेटा टाइप की बात कर रहे थे, तो एक कैरेक्टर है डी। अब मान लीजिए किसी का नाम है देवरिया, जैसे मान लीजिए एक शहर का नाम है देवरिया। ठीक है, हम लोग अपना ही ले लेते हैं देवरिया। तो ये देखिए, यहां पर देवरिया अगर आप लिखेंगे, देखिए कैसे देवरिया में कितने अक्षर है। पहला है डी, यहां पर मैं लिखता हूं डी। ठीक है, ये तो पहला कैरेक्टर हो गया देवरिया में। फिर दूसरा होता है ई, फिर तीसरा होता है ओ, फिर चौथा होता है आर, फिर पांचवा होता है आई, फिर छठवा होता है ए। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर हो गया ना, कितने कैरेक्टर्स हो गए काउंट कीजिए, 1 2 3। ठीक है, डी ई ओ आर आई ए, 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर हो गए। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, और भी डेटा टाइप होते हैं इसमें, स्ट्रिंग के अलावा भी और भी डेटा टाइप होते हैं, टपल होता है, लिस्ट होता है, और भी डेटा टाइप होते हैं, तो इनके बारे में बाद में जानेंगे। अभी हम ये बेसिक जो डेटा टाइप है इसी के बारे में लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले पाइथन की शेल को मैं ओपन कर लेता हूं। तो पाइथन की शेल यहाँ पे देख सकते हैं, पाइथन की शेल कहते हैं। शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है होम पेज है पाइथन का। ठीक है, अब आपको जो भी प्रोग्राम बनाना है तो एक नया फाइल यहाँ से लेना पड़ेगा। तो न्यू फाइल ले लीजिए और अपने हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन कीजिए। ठीक है, पाइथन के सेल पे जाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली कर पाए, जैसे मान लीजिए 7 में 3 से डिवाइड करना है तो 7/3 लिखिए, यहाँ पे आंसर आ जाता है। ये पाइथन सेल है। ठीक है, पाइथन का होम पेज। लेकिन अभी हमें खुद से प्रोग्राम डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर हमको नया पेज लेना पड़ेगा ना, तो हमने यहाँ ले रखा है, देखिए अभी लिया हमने, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब एक हमने सपोज कीजिए कि डेटा टाइप लिया कैर टाइप का, या हम पहले इंटीजर ले लेते हैं। तो इंट टाइप का जब डेटा टाइप लेंगे, देखिए यहाँ पर मैं इंट करता हूं, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इंट। किस टाइप का डेटा टाइप है ये? एक्स, एक्स में कोई वैल्यू जाके स्टोर होगी। अब ये एक्स जो है एक डब्बा समझिए, खाली डब्बा जिसमें आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। आप इंटीजर स्टोर कराइए, फ्लोट स्टोर कराइए, कुछ भी स्टोर कराइए। ठीक है, तो ये एक्स नाम का जो वेरिएबल है ये खाली डब्बे के समान है जिसमें आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंट मैंने स्टोर कराया, आप फ्लोट भी स्टोर करा सकते हैं, कैर भी स्टोर करा सकते हैं, कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये फ्लोट लिख दिया तो यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा। तो ये फ्लोट इनपुट, अब इनपुट भी एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम इनपुट देते हैं। जैसे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम जो है कंपाइल होगा, यानी कि जो हम कोड लिखेंगे वो किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिखेंगे वही दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, एंटर एनी नंबर, ये आउटपुट आपको दिखेगा। ठीक है, एंटर एनी नंबर कुछ इस तरीके से, इसको यहां क्लोज किया, यहां पे डबल इंटूट कॉमा, सिंगल इंटूट कॉमा दोनों आप लगा सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर आइए। अब यहां पे लिखता हूं वाई, वाई इज इक्वल टू, फिर देखिए फ्लोट, और फिर इसको बंद किया, फिर यहां पे इनपुट, इनपुट का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि इनपुट करवाना है ना, तो एंटर एनी नंबर लिखा हुआ है, एंटर एनी नंबर। ठीक है, और यहां पे उस नंबर में हमें डिवाइड करवाना है, क्या करवाना है? डिवाइड करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई तो नहीं करवाना, डिवाइड करवाना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। अब ये देखिए, ये सिंगल डॉटेड कॉमा या डबल डॉटेड कॉमा दोनों में हो सकता है। अब देखिए यहां सिंगल लगा रहा हूं, ऊपर मैंने डबल लगाया था, ठीक है, तो दोनों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सी लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ था, थोड़ा इसमें आसान हो गया। ये सब चीजें तो कम से कम आसान हो गई है इसमें, तो ये हो गया। अब इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है, क्लोज कर दिया, एंटर करके नीचे आइए। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो हम डिवाइड करवाना चाहते हैं, ठीक है, हम भाग देंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो यहां पे लिखता हूं सी इज इक्वल टू, अब देखिए x अपॉन y लिया है ना, तो ये x और y लिया है तो x अपॉन y कर देंगे, तो तभी तो डिवाइड होके आएगा, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देते हैं, यहां पर इसको टर्मिनेट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहां पे प्रिंट फंक्शन यूज होता है, सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज होता था, सी आउट सी इन यूज करते थे, अब सी प्लस प्लस में, जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर प्रिंट लिखेंगे सिंपली, ठीक है ना। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है यहां तक? तो देखिए फ्लोट लिया है मैंने, अब यहां पर क्या रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो यहां पे दे देता हूं मैं आउटपुट, आउटपुट माने आंसर आपका, ठीक है, इस तरह से आउटपुट इज, ठीक है, ये लिख करके बंद किया, यहां पे कॉमा देंगे, सी दे देंगे, बस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। देखिए इसमें इंडेंटेशन की एरर बहुत तेज आती है, जो ये पाइथन का हमने आइडियली ओपन किया है, इसमें इंडेंटेशन की एरर खूब आती है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोग्राम एकदम सीक्वेंस सही से लिखें, इधर उधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर डेस्कटॉप पे जाता हूं, इसको सेव करता हूं, तो इसको डीव नाम से सेव कर लेता हूं, डीव डॉट पीवाई, डॉट पीवाई लगाना जरूरी है, जिस तरह से सी लैंग्वेज में आप डॉट सी लगाते थे, सी प्लस प्लस में आप डॉट सीपीपी लगाते थे, वैसे ही इसमें आपको डॉट पीवाई लगाना जरूरी है। तो ये डॉट पीवाई लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। अब यहां से रन पे जाना है, और सबसे पहले तो इसको यहां से रन करवा लीजिए। अगर हमारा प्रोग्राम सही है तो ये चल गया, देखिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर अ नंबर, तो आप यहां पे डेसिमल में नंबर एंटर कर पाएंगे। देखिए ना, यहां पे लिखता हूं मैं 9.7, अब 9.7 एक डेसिमल नंबर है, एंटर प्रेस करता हूं, अब ये एक्सेप्ट कर गया, ले लिया इसने। अब यहां पे 9.7 में 2.5 से डिवाइड करता हूं, देखिए आंसर क्या आएगा, 3.88, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं अगर इंटीजर ले लेता तो क्या होता, देखिए यहां पर फ्लोट लिया था, अब इसको इंट कर देता हूं, ये हो गया, यहां पर आए, यहां पे करता हूं मैं इंट, ठीक है, तो ये इंट कर दिया। अब जब इंट लेंगे तब क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये हटा दिया इसको, यहां पे इंट कर देते हैं, ठीक है, यहां पे इंट कर दिया। अब इसको सेव कर देते हैं, यहां से इसको सेव करते हैं, और ये देखिए ये फाइल पे जाइए, सॉरी रन पे जाइए और इसको रन करवाइए। तो रन करवाया आपने, अब इंटीजर लिया तो क्या हम डेसिमल में वैल्यूज एंटर कर पाएंगे, चलिए इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर लिखिए 6.8, एंटर प्रेस किया, अब ये देखिए ये एरर आ गया तुरंत, क्योंकि इंटीजर में कभी भी डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए यहां पे एरर आ रहा है मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, ये एरर आ जाएगी आपको जबकि आप इस तरह की गलती करेंगे, इस तरह का ये आपको सामने आएगा वैल्यू एरर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे ऐसी वैल्यू देनी है जो कि इंटीजर हो, या तो प्लस में वैल्यू दे सकते हैं या तो माइनस में दे सकते हैं, यही दोनों कर सकते हैं आप। तो यहां पे देखिए अगर मैं प्लस में देता हूं 7 और यहां पे 2 दे देता हूं तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर पॉइंट में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख पॉइंट में नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए 3.5 आ गया ना, इंटीजर लिखने पे भी डेसिमल में आंसर आ जा रहा है, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता था, सी लैंग्वेज में दिक्कत होती थी, नहीं आता था आंसर हमारा, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, डेटा टाइप क्लियर है, इंटीजर क्लियर है, चलिए फ्लोट क्लियर है, इंटीजर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जो अगला हमारा डेटा टाइप था, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, ए इज इक्वल टू str, ठीक है, और यहां पे लिख देंगे कोई नाम, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया हमने नाम, ठीक है, इसको क्लोज किया इस तरीके से, ओके। और अब इसको क्या करते हैं, यहां पर फाइल पे जाके इसको सेव कर लेते हैं, तो वही पुराना नाम है div.py, ये सेव हो गया, यहां से इस पे जाएंगे, यहां पे देखिए एक ही ब्रैकेट हमें क्लोज करना था, हमने दो क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब ये हटा दीजिए यहां से, अब जाइए इसको रन करवाइए, ओके करिए, ये देखिए यहां पे कुछ भी प्रिंट होकर आया नहीं, प्रिंट होकर आया क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किया, तो प्रिंट यूज करेंगे तब ना प्रिंट होगा, ऐसे थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखिए प्रिंट, ठीक है, सिंपली प्रिंट लिखिए, आईसी को प्रिंट करवा दीजिए, क्या प्रिंट करवाना है हमको, ए प्रिंट करवाना है, तो बिना डबल डॉटेड कोट्स के लिखना है, ठीक है, डबल डॉटेड कोट्स या सिंगल डॉटेड कोट्स दे देंगे तो वही चीज प्रिंट होकर आ जाएगी जो चीज आपने दे रखी है, ठीक है। तो ये यहां से रन करवाइए,
और अब देखिए सूरज ये प्रिंट होकर आ गया, यही तो नाम दिया था हमने स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज होती है, समझ में आया ना, ठीक है।